दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष के रिक्त पद पर हुए मतदान में कांग्रेस की पुष्पा यादव को जीत मिली है। वहीं भाजपा की प्रत्याशी हर्षा चंद्राकर को सिर्फ 4 वोट मिले। इसके बाद बधाई देने गृह मंत्री सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे जिला पंचायत भवन। जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्षा शालिनी यादव के आकस्मिक निधन के बाद रिक्त सीट पर गुरुवार को दुर्ग जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से पुष्पा यादव और भाजपा की प्रत्याशी हर्षा चंद्राकर ने अपनी दावेदारी पेश की। इसी कड़ी में रिक्त पद पर हुए मतदान में कांग्रेस की पुष्पा यादव को 7 वोट और भाजपा से हर्षा चंद्राकर को सिर्फ 4 वोट ही मिल पाए। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस की पुष्पा यादव को विजय घोषित किया। इसके बाद जिला पंचायत भवन ने बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री तामध्वज साहू, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र साहू, MIC प्रभारी ऋषभ जैन सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में जिला पंचायत पहुंचे और अपनी शुभकामनाएं उन्हें दी। इस मौके पर गृह मंत्री तामध्वज साहू, खनिज निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पंचायत के जब पहली बार चुनाव हुए तो आदरणीय श्रीमती शालिनी यादव को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि उनका देहावसान के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था, जिसका आज चुनाव कार्यक्रम रखा गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आदरणीय गिरीश देवांगन जी अध्यक्ष हमारे माइनिंग कॉरपोरेशन के और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बैंक के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब एकजुट होकर के सभी हमारे 7 सदस्यों को चर्चा करके आदरणीय पुष्पा यादव जी का नाम किया गया और हमारी तरफ से सिंगल नाम भरा गया। 7 मेंबर कांग्रेस के थे, 7 ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और 7 वोट जो हमारे थे पूरे मिले और इस तरह पुष्पा यादव को जिला पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। 3.5 साल का इनका अनुभव भी है, साथ बैठे हैं, देखे हैं, सब काम किए हैं, तो अच्छा काम करेंगे। जैसा दुर्ग जिला पंचायत हमेशा अग्रणी रहा है, काम करते रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं को, उनके दिशा निर्देशों को पालन करते हुए दुर्ग जिला का पंचायत का क्षेत्र, जिसमें काफ़ी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसका बहुत अच्छे ढंग से संचालन यहाँ से होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। गिरीश देवांगन जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ सफल संचालन के लिए और फिर से पुष्पा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मिलजुल कर नहीं, हम लोग जिला पंचायत में विपक्ष में हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य हैं और विपक्ष का धर्म का निर्वहन किए हैं और हमारे 4 जिला पंचायत सदस्य आज के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारी छोटी बहन श्रीमती हर्षा चंद्राकर प्रत्याशी रही और हमारे 4 लोगों ने अपने पक्ष में मतदान किया। और देखा जाए तो दुर्ग जिला पंचायत में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, राशियों को बंदर बांट करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। हमारे 4 सदस्य लगातार जिला पंचायत के जब भी बैठक होते हैं तो मुखरता के साथ में विषय उठाते हैं। अलग बात है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत मंत्री के क्षेत्र होने के नाते अधिकारी लोग सर झुका के क्या करें नहीं कर पाते ऐसा बोलते हैं, लेकिन और अब धारदार होकर के विपक्ष के भूमिका का निर्वहन करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी बड़ी दीदी शालिनी यादव जी, जिनका जो भी सपना है वो मैं जरूर पूरा करूंगी और मैं अपने साथियों को, अपने सभी सभापति, उपाध्यक्ष, हमारी दीदी और भैया लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे यहां तक ला के खड़ा किया। इसी के साथ मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, गृह मंत्री जी, PHE मंत्री जी और कृषि मंत्री जी,
इन सबको भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो कि मुझे इस लायक समझा और मुझे आज जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। और मैं हमारे शालिनी दीदी का जो भी सपना है वो जरूर पूरा करूँगी, वो सब हम सब मिल के करेंगे, जो भी समस्या है उसको समाधान जरूर होगा। जो काम के लिए जो उनके क्षेत्र में जो कहा गया है, जैसे कोई कार्यक्रम में वो गई होंगी जिसे उन्होंने वादा किया होगा कि मैं इस काम को करूँगी करके, तो उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी उनके क्षेत्र में। देखिए, बहुमत तो वैसे भी हम लोग के पास थी, लेकिन सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के प्रत्याशी को विजयी बनाया है, और कांग्रेस की एकजुटता का परिणाम है, हमारे जिला पंचायत सदस्यों की एकजुटता का परिणाम है, जिसमें हमारे प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। ब्रांड एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।